जिले में गुरुवार की शाम 5 और लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस खबर से जिले में हड़कंप मचा हुआ है। सभी लाखांदूर तहसील निवासी बताए जा रहे हैं। अब तक जिले में कुल 24 मरीज मिल चुके हैं। इनमें से एक मरीज की रिपोर्ट निगेटिव आने से वह ठीक हो चुका है। बुधवार 27 मई को लाखांदूर तहसील के 12 संदिग्धों के स्वैब के नमूने जांच के लिए भेजे गए थे। इनमें से 5 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इन सभी का जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में इलाज चल रहा है। आइसोलेशन वार्ड में मरीजों की संख्या 29 हो चुकी है। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर में 305 लोग अब भी भर्ती है। अब तक कुल 1553 संदिग्धों की जांच की गई है। इनमें से 1447 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आई है और अब तक 24 संक्रमित पाए गए हैं। 82 संदिग्धों की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। जैसे जैसे संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ रहा है, वैसे वैसे जिला प्रशासन की परेशानियां भी बढ़ रही है। अब तो देखने वाली बात यह है कि इस स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासन किस प्रकार की उपाय योजनाएं करता है। BS क्राइम इंडिया न्यूज की रोजाना खबरों के लिए यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और गूगल प्ले स्टोर से BS क्राइम इंडिया न्यूज ऐप को डाउनलोड कर रोजाना खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें।